बैकग्राउंड म्यूजिक इज इक्वल टू वीडियो वायरल। अब सबसे पहले तो इस इक्वेशन को डिकोड करते हैं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैंने क्लिकबेट किया है। तो देखो, बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करने से वीडियो ज्यादा इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये वीडियो पहले बिना बैकग्राउंड म्यूजिक के देखो। और अब इसी वीडियो को विथ बैकग्राउंड म्यूजिक देखो। और अब दोनों की क्वालिटी और एंगेजमेंट में कितना ज्यादा डिफरेंस है, ये आप खुद भी एनालाइज कर सकते हो। तो हमें ये तो पता चल गया कि बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करने से वीडियो ज्यादा एंगेजिंग हो जाती है, और जब वीडियो ज्यादा एंगेजिंग होगी तो लोग उसको ज्यादा देर तक देखेंगे, जिससे वीडियो का एवरेज ड्यूरेशन अच्छा रहेगा। और यूट्यूब वायरल फॉर्मूला के हिसाब से अगर किसी वीडियो का एवरेज व्यू ड्यूरेशन 50% से ज्यादा है तो उसके वायरल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करने से आपकी वीडियो एंगेजिंग हो जाएगी, उससे पहले आपको ये देखना होगा कि आपका कंटेंट कितना ज्यादा एंगेजिंग है। बिकॉज अगर कंटेंट अच्छा नहीं हुआ तो बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करने से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर कंटेंट एंगेजिंग है बट बैकग्राउंड म्यूजिक की कैटेगरी सही नहीं है तो वीडियो एंगेजिंग होने के बजाय इरिटेटिंग हो सकती है। जैसे अगर मैं अपनी वीडियो में ये बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करने लग जाऊं तो आप ही बताओ, क्या आप मेरे वीडियो को देखोगे? ऑफ कोर्स नहीं देखोगे, बिकॉज ये म्यूजिक बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग है। तो आपके वीडियो के लिए सही बैकग्राउंड म्यूजिक चूज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं पिछले 2 साल से भी ज्यादा टाइम से YouTube वीडियोस बना रहा हूँ और मैंने अलग अलग कैटेगरीज के चैनल्स पे फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक यूज किया है, और आज तक मेरी किसी वीडियो पे कॉपीराइट का कोई इशू नहीं आया है। तो इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे पॉपुलर म्यूजिक ट्रैक्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें मैं या दूसरे यूट्यूबर्स एज बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करते हैं, और वो सारे ट्रैक्स यूट्यूब के ऑडियो लाइब्रेरी में आपको मिल जाएंगे, जिसका सिंपल सा मतलब है कि वो फ्री तो रहेंगे ही, साथ में कॉपीराइट का भी कोई लफड़ा नहीं होगा। तो आप वहाँ से इन सारे ट्रैक्स को डाउनलोड करके अपने वीडियोस में यूज कर सकते हो। बट अगर आपको ऑडियो लाइब्रेरी यूज करने में प्रॉब्लम्स होती है तो ये उसका ट्यूटोरियल वीडियो है, आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो चलो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे लिस्ट में नंबर 1 पे है लेट ट्रूथ बाय ऑडियो हर्ज। अब ये ट्रैक टेक वीडियोस के लिए बिल्कुल सही है, बिकॉज टेक वीडियोस के बैकग्राउंड में ऐसा म्यूजिक होना चाहिए जो ना तो बहुत फास्ट हो ना बहुत स्लो हो, और जिससे हैप्पीनेस वाली वाइब आती हो। एंड ये ट्रैक हमारे रिक्वायरमेंट में अच्छे से फिट होता है। तो टेक वीडियोस में जब भी आप कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो तो ये म्यूजिक बैकग्राउंड यूज कर सकते हो विथ 20-25% ऑफ वॉल्यूम। नंबर 2, सनसेट एंड बीचेस बाय ओशन। तो इस ट्रैक को आप ड्रोन शॉट्स के लिए यूज कर सकते हो। अगर वीडियो की स्पीड को इसके बीट्स के साथ सिंक कर देंगे तो आपकी वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग हो जाएगी। बाय द वे, इस वीडियो को मैंने कैसे क्रिएट किया है इसका ट्यूटोरियल आपको आई बटन वाले वीडियो में मिल जाएगा, तो आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। नंबर 3, किक इट बाय यंग लोगोस। तो भाई, इसका टोन फ्री फायर में जो ओल्ड म्यूजिक था उससे काफी मैच करता है, तो इसको फ्री फायर जैसे एक्शन गेम्स में एज अ बैकग्राउंड म्यूजिक यूज कर सकते हैं। नंबर 4, बुक द रेंटल विट इट बाय रेज। तो अभी ये मेरा सबसे फेवरेट म्यूजिक ट्रैक है और मैं हर वीडियो में इसको यूज कर रहा हूँ, एंड इस वीडियो के बैकग्राउंड में भी यही ट्रैक प्ले हो रहा है। तो कमेंट में आप ये बताओ कि ये ट्रैक आपको कैसा लगा। अब उसके बाद नंबर 5 है इंटेंशंस बाय एनो डोमिनी बीट्स।
अब आगे के जो भी ट्रैक्स हैं वो सारे बहुत पॉपुलर हैं और उनको कई यूट्यूबर्स एज अ बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करते हैं। तो इनमें से आपको जो पसंद हो आप उसको ऑडियो लाइब्रेरी से डाउनलोड करके अपने वीडियोज में यूज कर सकते हैं। आप अपने चैनल पे सब्सक्राइबर्स कैसे इंक्रीज करने हैं अगर आपको ये जानना है तो इस वीडियो को देख सकते हैं, और यूट्यूब के लिए अच्छी ऑडियो रिकॉर्ड और एडिट कैसे करनी है अगर आपको ये जानना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं।